संसद सत्र का आज 8वां दिन है। आज भी सत्र की शुरुआत विपक्ष के विरोध के साथ हुई, क्योंकि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। सरकार के इसी रवैये को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की और सरकार को आड़े हाथ लिया। तो किस मुद्दे पर भड़के खड़गे, देखिए रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 7 दिसंबर से हुई थी और आज इस सत्र का 8वां दिन है। अभी तक विपक्ष कई मुद्दों पर चर्चा की मांग कर चुका है, लेकिन सरकार विपक्ष को अनसुना कर रही है। पिछले कुछ दिनों से सदन में तवांग मुद्दा छाया हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा को राजी नहीं हो रही है। यही वजह है कि संसद में विपक्ष का विरोध जारी है, लेकिन बार बार विपक्ष को नजरअंदाज किए जाने को लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपनी नाराजगी जाहिर की है। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों को इस मुद्दे पर बोलने का मौका नहीं मिला है। इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं, और आपने जो यानी जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है क्या असत्य है, क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? तो नहीं नहीं, तो मुझे क्यों नहीं नहीं मुझे मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश के रक्षा की देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने कि आपको टोक दिया। मैंने आपने पक्ष रखा, मैं कहूँ तो इसीलिए आइदर सर यू एक्सप्रेस द रिग्रेट आर यू टेल मी दैट यू हैव नो पावर। तवांग में चीन के जवानों के साथ भारतीय जवानों की झड़प का मुद्दा राज्यसभा में एक बार फिर से गर्मा गया है। विपक्ष आज भी चीन से टकराव के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस भी दिया था। उन्होंने सभापति से इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और सरकार से बयान देने के लिए मांग की है। यानी आज भी इस मुद्दे पर विपक्ष का विरोध जारी रहेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।